हाय एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों? होप्स तो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सबको धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं जस्ट अभी बैठी हूँ फ्री होके। आप देखो, मैं एलोवेरा जेल लगा रही थी। तो एलोवेरा जेल जेल क्या मतलब, ओरिजिनल मेरे पास पत्ते हैं। मैं बताया था आपको, मैंने अपनी बालकनी में एलोवेरा लगाया हुआ है, तो अभी मैं वही उसकी थोड़ी मसाज कर रही हूँ। देखो ये सब लगा हुआ है। तो गाइस, मैं कभी बताया मैंने, कभी मैं एलोवेरा लगा लेती हूँ, कभी देसी की लगाती हूँ, तो ये सब चीज़ें मेरे को बहुत पसंद है। सीरियस से जो ग्लो आता है ना चेहरे पे, इन सब चीज़ों से, नेचुरल चीज़ों से बहुत ही इफेक्टिव है। तो मैं अभी लगाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शूट भी कर लूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो मैं इस तरह से इसको रात को लगा के सो जाती हूँ, तो सुबह तक मेरा फेस एकदम चमक जाता है। और अभी लगा हुआ है फेस पे, तो थोड़ी थोड़ी जो इसके जो अंदर का होता है लिक्विडी फॉर्म में थोड़ा लगा रहता है फेस पे, उसको हटा के और बस मैं छोड़ देती हूँ होल नाइट। और मैं सुबह वॉश करने वाली हूँ और साथ में मैं आप लोगों से वीडियो भी शेयर कर लेती हूँ। तो कुछ कमेंट्स थे, मैं ले लेती हूँ। लास्ट वीडियो के मैं कमेंट्स लेने वाली हूँ। तो सुमन देवी का फर्स्ट कमेंट है, दी अब मेरे फेस पर ग्लो दिखता है, थैंक यू दी। तो रियली डियर, आप अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो वो आपके चेहरे पे दिखता है। अच्छा खाना आपके शरीर पे दिखाई देगा, क्योंकि अच्छा खाने से जब आप फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो आपके चेहरे पे चमक आती है, वो नेचुरली है। जिनको जिन लोगों को खाना जो अच्छा खाना नहीं खाते हैं, जिनको प्रॉब्लम रहती है, पेट का इशू रहता है, उनका चेहरा जल्दी से जल्दी स्किन डल पड़ने लगती है, फाइन लाइन्स पड़ने लगती हैं और पिगमेंटेशन तो हो ही जाती है, तो उसका रीज़न है। तो सुमन का मैसेज देख के बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट कमेंट यही था। और सेकंड नेक्स्ट कमेंट लूँगी मैं, ये है मेहंदी कल्चर करके, क्या दी विटामिन सी सीरम लगा सकते हैं क्या? वैसे तो नाइट में डेली एलोवेरा जेल लगाती हूँ। देखो डियर, क्या है ये जो सीरम आते हैं, इनमें भी बहुत सारे, आप पढ़ेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलाई हुई होती हैं। तो बेहतर ये रहेगा कि कुछ टाइम, जब तक आप डाइट फॉलो कर रहे हो, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप कुछ टाइम तक कोशिश करो कि डाइट के साथ साथ सिर्फ नेचुरल चीज़ें लगाओ। क्योंकि क्या होगा, अगर आप नेचुरल चीज़ों से आपको जो ग्लो आ रहा होगा, फिर आप कोई चीज़ें लगाती हैं जो जैसे केमिकल बेस्ड हैं, कुछ क्रीम्स लगाती हैं, तो अगर उससे जो आपका ग्लो है वो खत्म होने लगेगा, तो नेचुरल चीज़ें आपको पता नहीं लग पाएगी कि रिजल्ट मिल रहा है। तो गाइस, मेरा ये मानना है कि अगर आप डाइट ले रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको पता लगे कि हाँ भाई, डाइट से मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है, मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आपको पता लगना चाहिए। इसलिए मैं सबको यही बोलती हूँ कि अगर आप डाइट को ले रहे हो ना, तो आप ऐसे लो कि इसी से रिजल्ट मिले, आपको पता लगे, विजिबल रिजल्ट दिखाई दे आपको कि हाँ मैंने डाइट लिया, मुझे रिजल्ट मिला। अब आप डाइट भी लोगे, फिर केमिकल भी लगाओगे, फिर वो केमिकल का अपना रिजल्ट रहेगा, एलोवेरा का अपना अलग रहेगा, तो फिर वो मतलब आपसे जो मिसमैच हो जाएगा। तो जो डाइट फॉलो कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ वो विजिबली रिजल्ट देखें, वो देखें क्या डिफरेंस डाइट से मुझे मिल रहा है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर कुछ टाइम के लिए रोक दो, एटलीस्ट 6 महीने लेके चलो। 6 महीने तक आपको लगता है कि नहीं होगा तो आप लगा सकते हो, पर मुझे इतना पता है आपको रिजल्ट मिल जाता है, आप अच्छे से फॉलो करते हो प्रॉपर डाइट वगैरह सब कुछ, तो रिजल्ट मिलने लगता है, आपको विजिबल दिखाई देता है अपनी स्किन पे। तो हो सके तो कुछ दिन रहने दीजिए, इसके बाद अगर आप चाहते हो तो फिर लगा सकते हैं। बाकी देखो, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर सकती हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। नेक्स्ट सुमन देवी का फिर से मैसेज आया, दी मैं जनवरी से डाइट ले रही हूँ, बीच बीच में गैप भी हुआ है, रेगुलर नहीं ले पाई हूँ, लेकिन अब रेगुलर डाइट लेती हूँ। देखो डाइट को जो है आप रेगुलर लोगे, अब आप क्या होता है, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप फॉलो करते हो, फिर 3 दिन छोड़ देते हो, तो फिर वो एक पूरी बॉडी, अब आप देखो आपने स्टार्ट किया रूटीन, ठीक है, मैंने आपको बोला रात को इतने बजे खाना खाना है, सुबह उठ के आपको गर्म पानी पीना है, ठीक है, आपको इस टाइम तक नाश्ता खा लेना है, इस टाइम तक आपको लंच खा लेना है, इस टाइम तक आपको डिनर खा लेना है। अगर आप 2 दिन फॉलो करोगे, 3रे दिन नहीं करोगे, 4थे दिन फिर छोड़ दोगे, तो क्या वो गैप आ जाएगा। तो एक सिस्टमेटिक आपको जो है पिगमेंटेशन के लिए अपनी रूटीन लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाना ही पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको अगर न्यूट्रिशन पर डे इतना प्रोटीन खाना है, तो वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो वो आपको खाना ही पड़ेगा। अगर इतने नट्स आपकी बॉडी में इतना ताकत देते हैं, तो आपको खाना ही पड़ेगा। तो इतना पानी आपके लिए बॉडी को चाहिए पर डे, तो आपको पीना ही पड़ेगा। इतना फिजिकल वर्कआउट आपको करना चाहिए जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करेगा, स्ट्रेस आउट करेगा, आपको अच्छा फील करेगा, तो आपको करना ही पड़ेगा, तो ही रिजल्ट आएंगे। अगर आप सोचेंगे 4 दिन कर लेंगे फिर बाद में छोड़ देंगे, तो वो रिजल्ट पे इफेक्ट आपको विजिबल दिखाई देगा। तो बेटर है जब आप शुरू करो, तो एटलीस्ट कुछ समय तक उसको कंटिन्यू करो, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिले, आपको खुद से पता लगे। मैं तो क्या ही बताऊंगी, आपको खुद से पता लगे कि हाँ भाई, हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेहंदी कल्चर का ही मैसेज है, थैंक यू सो मच दी, मेरे चेहरे पे भी अब ग्लो दिखने लगा है और स्किन बहुत अच्छी दिखने लगी है। नोज पर भी, नोज की बिल्कुल चली गई है, लेकिन चिक पे नहीं जा रही है, पहले से थोड़ा सा लाइट हो गई है। देखो डियर, क्या होता है ना, जैसे आपको गई है ना, आपको डाइट से ही गई है, तो वो भी चली जाएगी, ये सब चली जाएगी, बस आपको रेगुलर चीज को फॉलो करना है। कितने अच्छे कमेंट है, देखो आप लोग, बाकी लोग भी जो
मेरे को सुन रहे हैं वो पढ़िए, लास्ट ही वीडियो का है ये कमेंट, और आप सुनिए तो आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी, आपको भी पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ इफेक्टिव है। ठीक है, तो डाइट को लेना ही लेना है प्रॉपरली, तो आपको डेफिनेटली बहुत लोगों का ठीक हो चुका है। कितने लोग हैं मेरे पास, कितने कमेंट आते हैं, आप मेरा जीमेल आईडी पे, आपको कभी दिखाऊंगी मैं उस पर, इतने सारे कमेंट आ रहे हैं इनको आराम हो रहा है, ठीक हो रही है, कुछ जगह चली गई है बिल्कुल। तो गाइज रिजल्ट मिलते हैं, पर आपको रूटीन से फॉलो, और जिनको जो लोग बोलते हैं कि मुझे दीदी रिजल्ट नहीं मिल रहा है या ये, तो उनका क्या छूट रही है, प्रॉपर नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। आप अगर रेगुलर चीज़ों करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखाई देगा, इसमें कोई संशय ही नहीं है कि नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है श्रुति का रखा, सिस्टर मेरे को फीवर आ रहा है और मेरे कान में भी दिक्कत है। डीएफ आप डॉक्टर को दिखाओ, है ना, फीवर वगैरह है, कान में इश्यू, तो देखो मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, तो आप एक किसी डॉक्टर को दिखाइए, फीवर की दवाई ववाई लीजिए ताकि आपको आराम हो। तो कुछ टाइम के लिए रेस्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए, योगा वगैरह मत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने को पॉजिटिव रखिए, ठीक हो जाएगी आप। फिर है ये आ रखा है नेक्स्ट जो मैसेज है वो है, एक सेकंड बताती हूँ आपको, स्नेहा का है मैसेज, मेरे फेस पर भी पिगमेंटेशन है, फ्रीकल्स है, मैं क्या करूँ। देखो गाइज फ्रीकल्स एक ऐसी चीज़ होती है जो, फ्रीकल्स क्या होते हैं, उसमें डॉट 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 स्पॉट हो जाते हैं। अच्छा कुछ लोगों के ये स्पॉट्स इतने बढ़ जाते हैं कि पूरा फेस कवर कर देते हैं, मतलब जगह 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 स्पॉट्स हो जाते हैं छोटे छोटे। ये क्या सबसे बड़ी बात तो है कि देखो जो भी इस फेस पे हो रहा है तो इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करो, वो पेट की वजह से हो रहा है। ठीक है, पेट को डाइजेशन सिस्टम आपका डिस्टर्ब है, पीरियड्स का प्रॉब्लम है, आपको बॉडी में कुछ कमियां हैं। अभी मैंने आपको विटामिन D3 और विटामिन B12 का बताया था कुछ समय पहले, उसमें बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके देख बोला कि दी हमारा भी चेक करवाया तो B12 और D3 कम निकला। तो गाइज ये जो B12 और D3 होता है ये आज के टाइम में 80-90% लोग कम है। तो अगर आप भी ये देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी कमी हो सकती है। बाकी आपको धूप से बचना है, बाहर जाती हैं तो सनस्क्रीन लोशन हमेशा लगाएं। सनस्क्रीन लोशन से क्या होता है, जो हमारी सूरज की जो रोशनी आती है, मॉर्निंग की रोशनी बहुत ज़रूरी है, जो हमारी बॉडी को विटामिन D3 देती है। पर 12 बजे के बाद आप देखेंगे सन की जो किरणें होती हैं वो इतनी तेज होती हैं, लिटरली ऐसा था जैसे जल जाएगा फेस। तो वो जो अल्ट्रा वायलेट किरणें जो आती हैं, इतना पॉल्यूशन है, वो रेंज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हमारी स्किन को इफेक्ट करती है। कुछ लोगों को नहीं भी करती है, मैं ये नहीं बोलूँगी सबको करती है, कुछ लोगों की स्किन टैन होती है फिर अपने आप ठीक हो जाती है, पर कुछ लोग जैसे हम जैसे लोग इनको पिगमेंटेशन होगी उन पर मुझे लगता है डबल इफेक्ट आता है। तो पिगमेंटेशन का फेस पर है, फ्रीकल्स है, तो उनको तो स्पेशली इसलिए मैं बोलती हूँ सनस्क्रीन लगाओ। और सनस्क्रीन को लगाने का भी एक तरीका होता है, ऐसा नहीं कि आप सनस्क्रीन लगाया तुरंत चल दिए तो वो रिजल्ट नहीं देगी, उसको भी लगाने का तरीका है, उस पर मेरी पूरी वीडियो है, आप जाके विजिट करो। सनस्क्रीन को जाने से पहले कैसे अप्लाई करना है पूरे फेस पे, किस तरीके से लगाना है जो आपको अच्छे रिजल्ट दे, तो एक लेयर बन जाती है आपके फेस पे। इससे क्या होता है जो आपकी रेंज जो धूप में आप जाते हैं, आपको थोड़ा बहुत धूप लगती हुई तो वो आपके इस चेहरे पर इफेक्ट नहीं डालती, और सच में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप कहीं धूप में 2 घंटे भी घूम के आ जाओगे, आप घर आके फेस वॉश करोगे, आपका चेहरा एज इट इज़ रहने वाला है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और सनस्क्रीन को लेके बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि कुछ लोग ऐसे थे, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त ऐसे भी थे जिनको क्या होता वो नहा के सनस्क्रीन घर में लगा के बैठ जा रहे थे, क्योंकि उनको कन्फ्यूजन था कि उनको लगता था कि सनस्क्रीन रोज लगानी है। तो गाइज ऐसा नहीं है, सनस्क्रीन सिर्फ तब यूज़ करनी है जब आप धूप में जाते हैं। अगर आप शाम को जा रहे हैं तो सनस्क्रीन नहीं लगाना है, किसी के घर जा रहे हैं छाया में, गाड़ी में गए, गाड़ी में निकल गए तो नहीं, सिर्फ जब आप धूप में जाते हैं। अगर आप धूप में आप जाते हैं, आपका जॉब ऐसा है या आपको धूप में जाना पड़ता है, तो आप उसको अप्लाई करें, मार्केट जाएं। ऐसा नहीं कि नहा के सुबह सुबह नहाने के बाद सनस्क्रीन जरूरत ही नहीं है। अगर आप घर पे रहते हैं तो एलोवेरा जेल लगाएं, गुलाब जल लगाओ, ठीक है, तो वो चीज़ें, तो सनस्क्रीन से बाहर जाते भी लगानी है। ठीक है, हो गया इनका भी। फ्रीकल्स के लिए धूप से बचाओ, और गाइस डाइट लो। डाइट देखो, डाइट तो एक ऐसी चीज़ है वो आपको बेस्ट है, डाइट से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अच्छा खाइए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। तो गाइस अच्छा एक और मैसेज आ रखा है सुमन का, ये खूब सारे मैसेज है सुमन के। दी मैं कर्ड और बेसन से फेस वॉश करती हूँ। दी मैं दिन में गुलाब जल लगाती हूँ फेस पर और रात में देसी घी लगाती हूँ। दी फेस पर ग्लो, वेरी नाइस। यस, अगर आप इससे देखो, आप ये कोई भी केमिकल यूज़ नहीं कर रहे इनको, अब मैं खुद देखो, आप मेरा फेस शाइन कर रहा होगा तो मैं ये करती हूँ, मैं इसे घर में, अब मेरे को 3-4 चीज़ें पता है। देखो मैं नारियल तेल नहीं लगाती हूँ, पर मैंने बोला आप लगा सकते हो उसको भी, क्योंकि मेरे को जो नारियल तेल लगा के थोड़ा चिपचिपा लगता है तो मैं नहीं लगाती हूँ। तो मैं क्या लगाती हूँ, गुलाब जल, मेरे पास गुलाब जल हमेशा रहता है, मैं गुलाब जल लगाती हूँ। रात को मैं कभी एलोवेरा लगा लेती हूँ, कभी देसी घी लगा लेती हूँ, क्योंकि पिगमेंटेशन जिनको है उनको तो प्रॉपर लगाने लगा, तो मैं कभी
कुछ तो मैं चेंज करती रहती हूँ, तो मैं सोचती हूँ सब कुछ नेचुरल है। दिन में मैं घर पे हूँ, मुझे कहीं तो मैं सुबह नहा के गुलाब जल लगा, कोई नमी तो चाहिए ना चेहरे को, तो मैं गुलाब जल लगा लेती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई है, तो उसको मेंटेन करने के लिए। और गाइज एक चीज़, अगर आपको पिगमेंटेशन है तो अपनी स्किन को आपको नमी देना बहुत ज़रूरी है। जितनी सूखी आपकी स्किन, एक तो पहली बात है जिनको पिगमेंटेशन आती है, जिनका फेस ग्लो खत्म हो जाता है, बिल्कुल स्किन ऐसी होती है रफ हो जाती है, तो पहले तो आपको स्किन को ग्लो देना बहुत ज़रूरी है। ग्लो देने के लिए आपको उसको कुछ ना कुछ हाइड्रेट रखो, आप कुछ पानी तो पीना ही पीना है, पर कुछ ना कुछ, जैसे आपको देसी घी बोला है मैंने, कोकोनट ऑयल भी बोला हुआ है मैंने आपको, ठीक है, मैंने आपको एलोवेरा जेल, ताकि आपकी स्किन में नमी रहे। जितनी सूखी स्किन रहेगी आपको फाइन लाइन भी बहुत जल्दी पड़ेगी, और पिगमेंटेशन वाले फेस पे फाइन लाइन और चेहरे का डल पड़ जाना बहुत नॉर्मल। जिनको पिगमेंटेशन में उनका फेस बिल्कुल डल होगा, जैसे पता नहीं खाना कहाँ जा रहा है उनका, तो इसलिए अच्छा खाना, चेहरे को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी है। तो जो चीज़ मैंने बताई उसको अच्छे से फॉलो करते रहिए, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और आप सबको धनतेरस की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, तो जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।